आई एम अरविंद मिश्रा, अ टीचर ऑफ इंग्लिश इन एमकेडी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको द ब्रुक के अंतिम चार पैराग्राफ को पढ़ाऊंगा और उसके अर्थ को समझाऊंगा। आई स्टील बाई लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स, आई स्लाइड बाई हेजल कवर्स, आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स दैट गो फॉर हैप्पी लवर्स। मैं चुपचाप घास के मैदानों से होकर गुजरती हूँ, मैं हल्के भूरे आवरण वाले घास के मैदानों से होकर भी फिसलते हुए आगे बढ़ती हूँ, मैं नीले रंग के प्यारे फूल से भी होकर गुजरती हूँ जो खुशहाल प्रेमी जोड़ों के लिए उपजते हैं। आई स्लीप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लांस अमोंग द स्किमिंग स्वैलोज, आई मेक द नेटेड सनबीम डांस अगेंस्ट माई सैंडी सैलोज। मैं फिसलती हूँ अंधेरे रास्ते से होकर गुजरते हुए, झूमते हुए अवाविलों पर नज़र डालते हुए आगे बढ़ती हूँ, मैं सूर्य के प्रकाश जो मेरे रेतीले छिछले भागों में फंसे हुए से मालूम पड़ते हुए हैं उनसे भी होकर नाचते हुए आगे बढ़ती हूँ। आई मर्मर अंडर मून एंड स्टार्स इन ब्रैम्बली वाइल्डनेस, आई लिंगर बाई माई शाइनली बार्स, आई लॉइटर राउंड माई क्रेसेस। मैं सूर्य के प्रकाश, मैं तारों और चंद्रमा के प्रकाश के अंदर बड़बड़ाते हुए हल्की आवाज करते हुए आगे बढ़ती हूँ। मैं कांटेदार झाड़ियों से होते हुए सुनसान जगहों से भी होकर गुजरती हूँ, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चमकदार बाधाओं से भी होकर गुजरती हूँ। मैं सरसों से के पौधों से होते हुए मटर गश्ती करते हुए आगे बढ़ती हूँ। And out again I curve and flow to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. लेकिन और मैं मुड़ते हुए भी आगे बढ़ती हूँ ताकि भरे हुए नदियों से जाके मिल सकूँ। इंसान आते हैं और जाते हैं, लेकिन मैं सदा ही आगे बढ़ते रहती हूँ।